आप भगवान राम की कथा कहने गए हैं या ड्रामा करने गए हैं? हमने उसमें भी खेल किया अपने स्वार्थ के लिए, हमें दिखना है अच्छा कि कहीं हमारी अबू धाबी के अंदर भी कोई कथा हो जाए। लिहाजा कथा करते वक्त वो जो भोली भाली जनता है उसके मानसिक स्तर को बढ़ाएं, उसके विचार को दुरुस्त करें, उसके अंदर जो भी कंफ्यूजन है उसको ठीक करें, ना कि उसके उस भोलेपन को उसकी भावनाओं का शोषण करके भगवान राम भगवान राम भगवान राम भगवान राम भगवान कृष्ण 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 मौला 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 अली 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 ये पाखंड जो करे उसे उठा के बाहर फेंक दीजिए। आप भारत के 90 करोड़ सनातनियों के भरोसे को ध्यान में रखकर उस पीठ पे बैठे हैं, उस पीठ की मर्यादा को ध्यान में रखें, उससे कमाई कितनी होगी ये नहीं मान्य होगा, समाज इसके लिए तैयार हो। मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है। भगवान राम की कथा कहने आते हैं और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें, जो साहस पैदा करें। राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, हाय सीते, ये सुनाते हैं हमको। अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर। एयर कंडीशन मंच चाहिए, एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टर्ड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहाँ एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा बता नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का।